अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद हो कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज हम निकले हुए हैं तो थोड़ा सा कतर को जो है विज़िट करने के लिए, तो हमें एक लोकेशन पता चली। वैसे मैंने विज़िट नहीं की, लेकिन सोचा क्यों ना विज़िट करें। और कतर की खूबसूरत जगहों में से एक जगह में आती है, ठीक है, इसका नाम बताते हैं आपको, कतारा, ठीक है। और इधर बहुत सारी चीज़ें हैं कतारा के अंदर, और बहुत सारा, यानी कि एक दिखाने में पता चलेगा वैसे समझ नहीं आएगा। तो गाइज ये है कतारा पार्क, ठीक है। हम आज कतारा पार्क को विज़िट करने के लिए निकले हैं, तो विज़िट करते हैं कतारा पार्क। और कौन कौन सी जगह है जो आप विज़िट करें कतारा पार्क के अंदर, यहाँ पर सुना वाटरफॉल भी है, वो वाटरफॉल भी देखेंगे। उसके अलावा जो है पार्क को भी विज़िट करेंगे। कहते हैं यहाँ पर एक गाँव है जो कतर का बहुत पुराना गाँव है, उसको भी विज़िट करेंगे, सारी चीज़ें विज़िट करेंगे। लेकिन गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और इसी तरह की कतर की इन्फॉर्मेशन के लिए, कतर विजिट वीडियो के लिए, और बहुत सारी जॉब वीडियो के लिए, और बहुत सारे यूरोप वर्क परमिट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आए आज को विजिट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ये मॉल विजिट करें। बाद हम लोग अगर बाहर निकलें तो हमारा पार्क आ जाता है, ठीक है। अगर आप पार्क को विज़िट करें तो बहुत बड़ा पार्क है, और बहुत ज़्यादा एरिया में ये जो है ओपन है, यानी कि समझ लें कि बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है। और आगे चलते हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं। पहले मॉल दिखाया, अब मॉल के बाद एक यहाँ पर जो है ना एक गिफ्ट की शेप में बिल्डिंग बनी हुई, जो आप देख सकते हैं ये वो बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर कहते हैं कि ना मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग है, रोबोट टाइप ये बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग को भी विज़िट करेंगे और वाटरफॉल भी विज़िट करेंगे। बिल्डिंग तो बाद में भी विज़िट कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले कहते हैं कि वाटरफॉल चलते हैं, ताकि हमें वहाँ पर जो है समझ लें अच्छी मतलब एक लोकेशन मिल जाए और पिक्चर क्लिक हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसको ऊपर चढ़ के फिर वो हमें उस साइड पर जाना है, वहाँ पर हमारा वाटरफॉल है। यानी कि बहुत खूबसूरत गाइस पार्क बना हुआ है, ये पहाड़ी को काट के पास वो जो है अभी हमें वो ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद पैदल पैदल चलते हैं, फिर देखते हैं। ऊपर पहुंच गए, ठीक है, और वो रही गिफ्ट नुमा बिल्डिंग, इसको इंशाल्लाह रात में विजिट करेंगे, लेकिन अभी वाटरफॉल की तरफ चलते हैं। और बहुत खूबसूरत पार्क बना हुआ है गाइज, और बहुत ऊपर बना हुआ है, तो अभी हमें और ऊपर जाना है, वो बिल्कुल ऊपर वो देख रहे हैं, वो उधर उस तरफ जाना है हमें, तो वहाँ चलते हैं फिर देखते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुँच गए, ये जो है हैंडमेड बना हुआ है, ठीक है, ये देख रहे हैं, और बहुत खूबसूरत लग रहा है, और बहुत ऊपर से बना हुआ है। ये वहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऊपर से, तो ये देखें गाइस, ये रहा वो वाटरफॉल। अभी क्या करना है, हमने अभी जाना है हमें वापस नीचे, कहाँ पर वो लास्ट में मेन जहाँ पर जो है ना वाटर जमा हो रहा है, वहाँ पर तो चलते हैं नीचे, और वहाँ पर भी एक दो जो है ना शॉर्ट वीडियो क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको इंशाल्लाह उस बिल्डिंग के पास आ गई उंगली, वो उस बिल्डिंग के पास चलेंगे। उसके बाद जो गिफ्ट बिल्डिंग है उसके पास जाना है, वहाँ जाके फिर आपको जो है रात का व्यू दिखाते हैं, और फिर एंड में हम लोग जो है ना सी साइड की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं नीचे, फिर नीचे जाके आपको फाइनल यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ से जो है ना दोबारा ऊपर की तरफ मोटर के थ्रू जा रहा है, और बस यही था। अभी चलते हैं पार्क की तरफ। गाइस ख़त्म हुआ हमारा कतारा का विज़िट, लेकिन जो है हमें और भी दो जगह विज़िट करनी है, वो विज़िट करते हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है एक तो ये जो है रोबोटिक, पता नहीं क्या नाम है इन बिल्डिंग्स का,
वैसे तो देखते हैं अंदर जाके, और मॉल तो आपको विजिट करवा दिया, उसके अलावा यही था जो मेन स्पॉट था ना वो कतर का यही है, जो आर्टिफिशियल जो है वाटर फॉल का नाम है वो मेन पॉइंट वो था। बाकी गिफ्ट शॉप जो है, गिफ्ट नुमा जो बिल्डिंग है उसको विजिट करना है, और एक ये जो रोबोट सर वाली बिल्डिंग है इसको विजिट करते हैं। तो विज़िट करते हैं और साथ आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं, अगर विज़िट हुई तो ठीक है, नहीं तो वैसे मैं कोशिश करूँगा कि ऐड कर दूँ, अगर ऐड हो गई तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद होगी गाइज आके आपको मेरी ये कतारा वीडियो। तो अब हम जा रहे हैं गाइज उधर वाटरफॉल की तरफ, एक दूसरा है जिसमें म्यूज़िक के साथ जो है वो जो है मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है। उधर चलते हैं और गिफ्ट शॉप के पास, गिफ्ट वाली बिल्डिंग के पास आ गए, देखते हैं कि हमें अलाउ है या नहीं है। गरीब बंदों को अलाउ होता ही नहीं होता, ये तो देखना पड़ेगा। ट्राई करते हैं, अगर छोड़ दिया तो ठीक है, अंदर से विज़िट करवाएंगे, नहीं तो फिर आपको बाहर से विज़िट करवाएंगे। ठीक है, चलाएं फिलहाल तो उधर चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, फिर वहाँ से जाके इधर एक पिक्चर क्लिक करवाते हैं। पिक्चर क्लिक करवाने के बाद फिर उधर चलेंगे म्यूज़िक वाटरफॉल की तरफ, वो भी आपको दिखाएंगे, साथ जुड़े रहें। ठीक है गाइस, ये रही वो बिल्डिंग। ठीक है, ये रहा वो अपना पासपोर्ट की रिपोर्ट, रिपोर्ट के साथ चलते हैं, पिक्चर कराते हैं, लेकिन बच्चों वाला गेम हो जाएगा। चलो तो गाइस यहाँ पर बच्चों की सिर्फ गेम अलाउ होते हैं, तो मोहित भाई फिर चलते हैं अपना बाहर, अपन फ़ायदा ही नहीं है बच्चों के गेम में, क्या करेंगे। चलो बाहर चलो बाबा, ये पता ही नहीं था बच्चों की जी बिल्डिंग है। चलो गाइस, अच्छा हुआ बच्चों की बिल्डिंग थी ये, बच्चों की बिल्डिंग। ठीक है, जो मेरी व्लॉग्स वगैरह और जॉब्स देखते हैं वो अपने बच्चों के साथ इस गिफ्ट वाली बिल्डिंग में, मैंने इसका नाम गिफ्ट वाली बिल्डिंग रख दिया, मगर मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है लेकिन गिफ्ट की तरह ना, तो मैंने इसका नाम रख दिया गिफ्ट वाली बिल्डिंग। तो वैसे तो लोकेशन कतारा है, तो आप कतारा आएँ, इसका असल नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये है। और अंदर जो है बच्चों की खेलने की जो है गेम्स वगैरह हैं, वीडियो गेम है। तो अभी चलते हैं हम लोग म्यूज़िक वाटरफॉल की तरफ, फिर वहाँ से फिर आगे इंजॉय करते हैं। ठीक है, that's how I end up on the top, man, I'm calculating, my mind's a weapon, my body is the engine, I'm never second guessing. खराब म्यूजिक वाटरफॉल बंद पड़ा हुआ, ट्राई करते हैं कि ओपन हो जाए, ओपन हो गया तो फिर जो है देखेंगे, नहीं तो फिर क्या क्या मूवीज फिर आगे कहीं चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो बंद पड़ा हुआ है। लेकिन पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। बाबा बहुत गर्मी लग रही है मुझे, अभी हम लोग कतर का ये कतारा का कतर बोल रहा हूँ कतारा का ये गांव खेलें, क्योंकि गांव टाइप है, थोड़ा सा सू वाकिफ वाली फील आ रही है, बट लेकिन सू वाकिफ वैसा जैसा ना क्राउड नहीं है, लेकिन बहुत सुकून है, बड़ा बढ़िया कोई नहीं है। शायद फ्राइडे इस वजह से अजान हो गई। लेकिन यार गाइस एक बात बोलूँ, अगर आपने थोड़ा सा ठंडा हो ना मौसम, तो बहुत अच्छा शूट हो यहाँ पर, बहुत अच्छी अच्छी जगह है और बेहतरीन लोकेशन है मेरे हिसाब से तो, बाकी आपके ऊपर है। और चलते हैं आगे, देखते हैं और कौन कौन सी जगह है और क्या क्या है। ओहो गाइस, ये जगह है ये ना, ये बेहतरीन जगह है, ये देखें गाइस, बिल्कुल सुकून पड़ा हुआ है, वीआईपी माहौल है, और वो सामने हमारी बीच है, चलें उस तरफ भी चलते हैं। लेकिन बड़ा सुकून है यार कतारा में, क्राउड नहीं है वाकई में। चलें आगे अपडेट देते हैं। वाह देखो, आओ एक दफ़ा कतारा आ जाओ। ओए होए गाइस, क्या व्यू है, ये पकड़ ना मोहिन बैग, पकड़ जिंदगी का मजा लेना है। थोड़ा सा गर्म है बट लेकिन चलेगा। हम पहुंच गए कतारा बीच, ये रही कतारा बीच, सही है। अब कहाँ जाना है, बोट के पास बोट करवाते हैं, थोड़ा सा बोट पे हवा लेके आते हैं, बोट पे जाते हैं हवा लेके आते हैं। गर्मी ने तो ना समझो कि बस मैं बोल नहीं सकता क्या किया हुआ फिर भी चलते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर
देखते हैं निकलते हैं आगे कहीं थोड़ा सा किसी मॉल वगैरह में जाएंगे, ठंडे होएंगे, फिर खाना वाना खाएंगे, फिर आएंगे। ठीक है ना तब बढ़ोगे, खाओगे पियोगे बढ़ोगे, खराब देखोगे बचाओगे बनोगे नवाब। तो गाइस शाम हो रही है, अभी गर्मी बहुत कुछ चक्कर में जो है ना शॉर्ट हो गई है, अपन की हिल गई है, लेकिन अच्छा है थोड़ा सा। मेरा तो अगर मशवरा जो है मानते हैं तो थोड़ा सा ठंडे मौसम में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा इंजॉय होगा। अगर आप गर्मी में आए तो ये है कि फिर थोड़ा सा विज़िट करें कतारा, उसके बाद कतारा बीच आ जाएं और थोड़ी सी जो है ना इंजॉय करें कतारा बीच पे, और जो है फिर चले जाएं इंजॉय इंजॉय करके। मगर थोड़ा गर्मी में नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा मेरी तो अगर मानते हैं, अगर बीच पे आना तो गर्मी में ही आए, उसके अलावा मेरे हिसाब से तो गर्मी में नहीं आए। तो उम्मीद होगी गाइस कि ये व्लॉग अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए और अच्छी अच्छी व्लॉग के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।